हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आया हूँ खेत में। खेत है हम लोग का, खेत में गेहूँ कटवाने कंपाइन से। तो आइए देखते हैं कहाँ कंपाइन है और देखिए कैसा गेहूँ। अब इसको कटवाना है तो कंपाइन हमारा अभी वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे अभी कंपाइन है। अभी आएगा, आने के बाद हम लोग का काटेगा। ये खेत हम लोग का है, 2 बीघा खेत है, गेहूँ लगा है, पूरा नहीं है वो, आधा दूसरे का है आधा मेरा है। देख सकते हैं बहुत ही गर्मी है इस समय, एकदम लू चल रहा है। देखते कब आता है। ये दूसरे खेत है, देखिए काट दिया पहले आ रहा है। देखिए कंपाइन हमारा आ रहा है, बहुत जल्दी यहाँ आ जाएगा। अभी हम देखें कैसे काटता है ये कंपाइन। बहुत ही दिक्कत है गेहूँ कटवाने में, हालत पंचर हो जाता है कंपाइन का। आज दिन भर मैंने पीछा किया है, पीछा करते 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 अब जाके आ रहा है कंपाइन। लोगों का काटते काटते सुबह से इधर उधर यही मथ रहा है, अब जाके आ रहा है। आइए देखते हैं कैसे आ खेत है। ये सब खेत में चल रहा है कंपाइन, अभी आएगा तो काटेगा। मैं जा रहा हूँ मेरी मेरी कंपाइन के पीछे, और देखते कंपाइन कहाँ चढ़ता है। कंपाइन आ चुका है एकदम मस्त है, इसे धुआं धुआं कर दिया है, मगर क्या काट रहा है। गेहूं की कटाई आदमी लगे हैं सब इसमें। अभी मैं पास जाके आपको दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, गेहूं धान कट चुका है मेरा। ये देखिए गेहूं मेरा हुआ है, एक टाली 2 बीघा में एक टाली बस हुआ है। इस बार बहुत ज्यादा पानी बरस गया था आंधी तूफान आने की वजह से, ये सब गेहूं की पैदावार बहुत कम हुई है। वरना इतने में 1.5 टाली होता था मेरा, आधा टाली गेहूं नुकसान हो गया। इसका मतलब 5 से 6 क्विंटल गेहूं अभी नहीं हुआ है, सब खेत कट गया। इतना ही था मेरा खेत, और कटनी कटने के बाद इस समय गेहूं एकदम बेकार हुआ। देख सकते हैं खेत में सब गेहूं कट चुका है। और यहाँ पे एक बात, कोरोना का मेरे गांव में असर तो नहीं पड़ा है, और मगर फसल की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। देख सकते हैं पूरा ट्राली पे हूँ मैं, और कुछ लोग यहाँ पे हाथ से भी काट रहे हैं डोरी, मगर बहुत कम ही लोग यहाँ हाथ से काट रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे कंपाइन से कटवा रहे हैं, अधिकतर गांव वाले कंपाइन से, अगल बगल वाले सब कंपाइन से कटा रहे हैं। कुछ लोग हैं, मैं इनको दिखाता हूँ, जो हाथ से काटे हैं काम कर रहे हैं, मगर बहुत से लोग जो हैं वो हाथ से नहीं काट रहे हैं, सब कंपाइन से काट रहे हैं। आज कंपाइन मेरे गांव में आया तो बहुत लोगों का काटा है, सुबह से शाम हो गया सब कंपाइन से कट रहे हैं। पहले एक खेती होता था, दादा दादी करते थे ये खेती, तो 1 महीना उनको लगता था पूरा 8 बीघा खेत उन लोग को काटने में, और 8 बीघा खेत उनको 1 महीना लग जाता था काटना दौड़ी करना। जब नवरात्र चल रहा तभी से कटनी शुरू हो जाता था, और पूरा अप्रैल धीरे धीरे रोज दौड़ी करो काटो दौड़ी करो काटो, 10 रात भर दौड़ी होता था हम लोग का। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस समय, मगर इस समय दादा दादी सब चले गए ऊपर,
तो अब सिर्फ कंपाइन ही चलता है, कंपाइन से करके आ जाता है घर पे अपना खाओ साल भर। भूसा उसा पालना है नहीं, भूसा उसा कुछ होता नहीं है, भूसा उसा दिला जाता है जो भूसा बनाते हैं उनको आराम से। और कोई यहाँ पे बहुत कम ही लोग, गांव में भी बहुत कम लोग गाय भैंस सब पाल रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ हर घर में एक गाय पहले होती थी, मगर अब हर घर में मान लीजिए गांव में तीन ही चार लोग हैं जो पशुपालन कर रहे हैं, क्योंकि उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, भूसा बहुत महंगा है, चारा बहुत महंगा हो चुका है और दूध उतने में बिक रहा है। और दूध का हिसाब से उन लोग को चाहिए 100 रुपये लीटर सब कह रहे बिकेगा तो दूध का फ़ायदा होगा, मगर जो पाला है उनका भी घाटा होता है, मजदूरी नहीं निकल पाता है, बस शुद्ध दूध खा पाते हैं। बस इतना फ़ायदा है कि आप शुद्ध दूध खा पाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होता है गोरू भैंस पालने में, जो बहुत बढ़िया पाला है। और यहाँ पे जो गाय भैंस होती हैं वो बहुत ही कम दूध देती है, सब देसी नस्ल की गाय भैंस है, तो कोई विदेशी है नहीं, इसलिए दूध का यहाँ बहुत कम व्यापार होता है। जो लोग हैं वो भैंस हटा रहे हैं, 50,000 की एक भैंस, 40,000 की एक भैंस यहाँ मिलती है, दूध वही 10-12 लीटर देती है, उससे उन लोग का फ़ायदा नहीं निकल पा रहा है। तो गांव भैंस में अब गोरू भैंस पालना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो हम लोग भी अब गाय भैंस नहीं पालते हैं, हम लोग ऐसे ही कंपाइंस कटवा लेते हैं और भूसा किसी को दे देते हैं, भूसा आती है मशीन बना के दे देती है उन लोग को। अभी हाथ से कटाई कर रहे हैं, तो हाथ से काटना भी बहुत मुश्किल होता है, देखिए कटाई हो रहा है हाथ से, इधर देखिए सब कंपाइंस काट दिया है, सब काट दिया, हाथ से कटाई होता है, इधर काटने के बाद उधर गया है कंपाइन हमारा, देखिए धुआं धुआं किया है, ये धुआं धुआं कंपाइन पूरा किया है, देख सकते हैं बहुत ही धुआं किया है कंपाइन। बाकी सब देखिए यहाँ सब खेत हाथ से काट रहे हैं, देखते हैं कब तक काटता है ये।